करेंगे बॉटनी, ठीक है, वो जूलॉजी का हम लोग पढ़ते थे, आप बॉटनी में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग का बायोलॉजिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें लोग फंजाई कवर करेंगे आज, ठीक है, इसके कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोमस, तो पूछ रहा है ग्लोमस क्या होता है, ठीक है, ग्लोमस जो है एक सिंपली बात करते हैं फंजाई होता है, ठीक है, ये फंजाई होता है जो सिम्बायोटिक रहता है, ठीक है, सिम्बायोटिक होता है, और ये बेसिकली माइकोरिजा नाम के एसोसिएशन होता है जो कि किसके किसके बीच होता है, तो लार्ज प्लांट्स होगा, ठीक है, लार्ज प्लांट जिसमें हम लोग कौन कौन से आते हैं, दो आएंगे, ठीक है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स, दो ट्री होते हैं जो बड़े बड़े, उनके साथ ये मतलब सिम्बायोटिज्म शो करता है, ठीक है, जिम्नो, ठीक है, दो आते हैं, और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है ग्लोमस, ठीक है, यही होता है, तो होता क्या है ना कि ये ट्री के जो रूट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे लग जाते हैं जिससे क्या होता है सरफेस बढ़ जाता है इनका, जैसे ही सरफेस बढ़ता है तो मिनरल ऑब्जेक्शन बढ़ जाता है, मिनरल का जो ऑब्जेक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और बेसिकली कौन सा मिनरल ऑब्जेक्शन करता है, होता है फॉस्फोरस को ये एब्जॉर्ब करने में इनकी हेल्प करते हैं, बदले में इनको फूड और शुगर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल फंजाई के स्पोर्स बारे में पूछ रहा है, ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक ना, तो मोटाइल को हम लोग क्या कहते हैं, जूस्पोर, ठीक है, जूस्पोर, इसके साथ हम लोग कहते हैं प्लेनोस्पोर, और सिंपली नॉन मोटाइल स्पोर हम लोग कहते हैं ऑप्लेनोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल एग्जांपल ऑफ फोर ग्रुप ऑफ फंजाई, ठीक है, तो फोर ग्रुप ऑफ फंजाई के एग्जांपल पूछा है, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइको के, फाइकोमाइसिटिस के, ठीक है, तो इसमें लोग तीन आता है, राइजोपस, म्यूकर एंड अल्ब्यूगो, ये जो होता है हम लोग का ब्रेड मोल्ड होता है, ये हम लोग का जो होता है डंग मोल्ड होता है, गोबर पे बेसिकली मिलते हैं, और ये हम लोग का जो होता है ये मस्टर्ड पे व्हाइट स्पॉट करता है, मस्टर्ड के लीफ पे व्हाइट स्पॉट कॉज करता है, ठीक है, व्हाइट स्पॉट, और ये बेसिकली होते हैं जो ये जू स्पोर होते हैं, ठीक है, जू स्पोर्स होते हैं, ठीक ना, यानी कि मोटाई होते हैं, ठीक है, इसके स्पोर्स जो होते हैं, और एक फीचर आप इसके बारे में और याद कर सकते हो कि ये ऊगेमस होते हैं, ठीक ना, ऊगेमस होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो दो सेल का फ्यूजन होता है वो एक एग सेल होता है और एक स्मॉल सेल होता है, ठीक ना, दो अलग डिफरेंट साइज के सेल्स होते हैं, ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, और जो रिजल्ट होता है उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अच्छा सॉरी फाइको हो गया, हम लोग एस्कोमाइसिटिस का बात करेंगे, एस्कोमाइसिटिस का, ठीक ना, एस्कोमाइसिस हम लोग सात एग्जांपल पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग आता है ईस्ट, इसे हम लोग सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, इसके बाद आता है क्लेविसेप्स, ठीक है, इसके बाद न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, मोरेल्स और ट्रफल्स, बेसिकली ये न्यूरोस्पोरा नाम का जो है ये फिर मेंडल लेंस पे मतलब इस केमिकल का यूज किया था इनके द्वारा रिलीज किया गया केमिकल था, ठीक है, और ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और क्लेविसेप्स भी साइंटिफिक यूज में आता है, ईस्ट हम लोग को पता है अल्कोहल के फॉर्मेशन में आता है, पेनिसिलियम जो है फर्स्ट किससे, पेनिसिलियम, हाँ पेनिसिलियम सबसे पहले जो हम लोग एंटीबायोटिक बनाया गया था वो इंसुलिन था, खाने वही है, हाँ ठीक है, और मोरल्स और जो ट्रफल्स हैं ये इडिबल होते हैं, ये खाए जा सकते हैं, और तीसरा ग्रुप हम लोग आता है वो होता है बेसिडोमाइसिटीज का, बेसिडो, इसमें हम लोग को चार एग्जांपल पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग का इडिबल फंजाई होता है, इडिबल है ना, और दूसरा होता है टोडिस्टूल, ठीक है, टोडिस्टूल, तीसरा होता है पक्सीनिया, ये स्मट कॉज सॉरी ये रस्ट कॉज करते हैं वीट में, ठीक है, रस्ट इन वीट कॉज करते हैं, ठीक है, चौथा जाता है उनका उस्टिलैगो, ये क्या करते हैं स्मट कॉज करते हैं, ठीक है, और ये इडिबल जो आते हैं इनका नाम है एग्रीकस, मतलब ग्रुप का नाम है एग्रीकस, ये एग्रीकस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है लास्ट ड्यूटीरियो, ये लास्ट ग्रुप हम लोग का ड्यूटीरियोमाइसिटिस का, ठीक है, इसमें भी तीन एग्जांपल आते हैं हम लोग के, सबसे पहले हम लोग आता है अल्टरनेरिया, कोलिडोट्राइकम, और थर्ड आता है ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which step of sexual reproduction does not occur in phycomycetes? तो पूछ रहा है phycomycetes में कौन सा absent होता है, ठीक है, तो phycomycetes में जो step absent होता है ना,
फाइको MYCET। तो ये जो फंजाई है इसके अंदर बेसिकली जब मतलब डाइकैरियन वाला स्टेज एब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब कि जब फ्यूजन के बाद जो डाइकैरियन स्टेज दिखता है बाकी समय डबल न्यूक्लियस वाले ये स्टेज इसमें विजिबल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्लाज्मोगैमी के बाद इसमें क्या होता है, इमीडिएट कैरियोगैमी होता है, ठीक है, कैरियोगैमी होता है, ये स्टेज विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिटेल रिगार्ड्स फाइकोमाइसिटिस। तो फाइकोमाइसिटिस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, फाइकोमाइसिटिस के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें तो इसका जो हाइपो होता है असेप्टेट होता है, ठीक है, असेप्टेट होता है, ठीक ना, असेप्टेट होता है प्लस सिनोसिटिक होता है, इसी को सिनोसिटिक कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिलामेंटस होता है, ठीक है, बेसिकली एवरीवेयर ये मिल जाएंगे, सभी जगह मिल जाएंगे, ठीक ना, एवरीवेयर ये मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हैबिटेट की बात करें तो ये बेसिकली सैप्रोफिटिक होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ठीक है, कुछ मतलब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जैसे अल्बिगो हो गया, फिर इसी ग्रुप के अंदर आता है राइजोफस में अल्बिगो, तो बाकी कुछ सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक और कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो फिर इसमें जो मतलब डिवीजन होता है फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है प्लस फिजन भी हो सकता है, ठीक है, फिजन दो ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बाकी के एग्जांपल्स अभी आपने लास्ट टाइम देख रहे थे, तो यही कुछ बेसिक इसके फीचर होते हैं, ठीक है। इसमें डाइकैरियन स्टेज विजिबल नहीं होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, वो है डाइकैरियन नॉट विजिबल। डन।